अच्छा जी वालेकुम आई होप सो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी और स्क्रीन भी विजिबल होगी अभी आज जो हमारा सेशन है ए, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पेपर से रिलेटेड है अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं तो मेरा नाम असद मंजूर है और मैं एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूं इसके अलावा मैं सी एस एस भी हूं मैंने जो है सी एस एस की अटैम्प्ट भी दी हैं तो मेरा जो है वो सी एस एस का भी एक्सपीरियंस है उसके साथ साथ मेरा जो मेजर है वो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो उस लिहाज से जो है वो बैकग्राउंड भी जो है वो मेरा इसी के साथ है अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो स्कोप सी एस एस के साथ जो है वो मैं दो हज़ार बीस से हूँ और तब से मैं जो है वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी सेशंस में पढ़ा चुका हूँ अगर हम इसकी बात करें पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो क्योंकि आपको पता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक थ्योरी का सब्जेक्ट है और इसको भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं तो वो सब्जेक्ट्स जो ज्यादा ऑप्ट होते हैं उसमें जो है वो सचुरीशन हो जाती है से होते हैं, तो फिर जो है वो, एक जो है वो, uh, करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती है तो वो जो एक्स्ट्रा चीजें आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं क्योंकि जो आपके सोशल साइंसिस के सब्जेक्ट्स होते हैं वहां पर आपके पास कोटेशन या ऐसी जो है वो या बुक रेफर वो बहुत ज्यादा चल जाते हैं लेकिन अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें ये आप अगर जो है वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि बिजनेस की जो सब्जेक्ट्स हैं के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको केस स्टडीज कोट करनी पड़ती हैं अब वो केस स्टडीज या एग्जांपल्स जो हैं वो कोई भी हो सकती हैं वो बिजनेस की एग्जांपल्स भी हो सकती हैं वो जेनेरिक भी अगर उस सिचुएशन से मिलती हैं तो आप उनको कोट कर सकते हैं उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें कि आपको जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन में किस तरीके से चीजों को इम्प्रूव करना होता है तो इसमें आपने फ्लो चार्ट जो है उन चीजों को करना है और बाकी जो चीजें हैं उसके साथ साथ आपने फ्लो चार्ट डायग्राम्स बनानी होती हैं जिससे आपकी जो है वो ओवरऑल पेपर की जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर होती है लेट मी शेयर वाइट बोर्ड विध यू गायट बोर्ड जो है ना वो काफी टाइम ले रहा है पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है अभी इसी वजह से हाँ जी हो गया अच्छा जी तो इसमें जो है वो थ्योरी की कुछ चीजें होती हैं जैसे मैं अगर आपको ओवरऑल पेपर की क्वेश्चन की लेंथ के बारे में हम बात करेंगे कि आपकी जो है वो एक जेनेरिक एक क्वेश्चन है उसमें आपने कितनी शीट्स जो है वो लिखनी होती हैं कैसे क्वेश्चंस को लिखना होता है तो मेरी जो अपनी टेक्निक थी मेरे सी एस में सेवेंटी मार्क्स थे ए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसमें जो है वो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन होता है जो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करता है ठीक है तो आपने जो है वो उस क्वेश्चन को भी जो है वो काफी वेटेज देनी होती है उसकी रीजन ये है कि वो क्वेश्चन आपको जो है वो उसमें अगर आपके 20 मार्क्स आते हैं तो उसमें आप जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो आप काफी ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो इस वजह से आपने जो है वो उस उस चीज को भी देखना होता है ठीक है तो एक मिनट अच्छा तो उसके साथ आपने जो है वो केस स्टडीज की मैंने बात की एग्जाम्पल्स की बात की ये आपने कोट करनी होती हैं उसके अलावा मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं इंट्रोडक्शन छोटी सी एक आउटलाइन बनाता था जैसे आप पास पेपर का कोई भी क्वेश्चन ले लें तो उसको आप ये देखें कि आप उस, उसने कौन कौन सी चीजें पूछी हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे क्वेश्चन करता है कि डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर द बेसिक मैथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट

अलावा वो आप रिक्रूटमेंट्स के लिए जो है वो मतलब डिफरेंट मेथड्स होते हैं जैसे आप जो है वो इंटर्नशिप लीडिंग टू जो है वो परमानेंट जॉब होती है उसमें आप लोगों को जो है वो करते हैं उसके साथ साथ आप मतलब अगर आप इन चीजों को देखें तो रिक्रूटमेंट्स की बाकी जो है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट्स होती हैं जो आप प्रमोशन के थ्रू करते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में तो आप टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं या बाकी सारी चीजें जो है वो उनको देख के आप रिक्रूटमेंट्स कर लेते हैं ठीक है ये क्या कर रहे हो आप लोग यार ये एन फरीद और ये मतलब आप क्या स्क्रीन के ऊपर क्या कर रहे हो यार आप लोग बच्चे तो नहीं हो यार। अच्छा जी। तो ये चीजें कुछ होती हैं जो आपने देखनी होती है अगर रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये एक कंप्लीट मेथड होता है रिक्रूटमेंट का जिसमें आपने ये देखना होता है कि अगर आप कुछ को कुछ, कुछ

ए, मतलब इंट्रोडक्शन में आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफाइन करें आप ये बताएं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है आप इंट्रोडक्शन के अंदर ही ये बताएं कि रिक्रूटमेंट के ये ये बेसिक मेथड्स होते हैं यानी कि आप जिस तरह ऐसे की एक समरी लिखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर सेम वैसे ही आपने जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी समरी बता दें फिर आप उसके बाद नीचे बेशक हेडिंग दें प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन की आप उसको डिफाइन करें उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट जो है वो अ आप नेक्स्ट उसमें ये बताएं कि आपको जो है वो ए, क्या क्या या सना क्या कर रहे हो आप बच्चे हो आप सी एस एस की क्लासेस ले रहे हो आप पेपर टेक्निक सीखने आए हो और आप इरफान अहमद ये आप लोग क्या कर रहे हो यार वाइट बोर्ड के ऊपर मैं इसीलिए बार बार ट्रॉस कर रहा हूँ कि आप लोग मतलब क्यों ऊपर लिख रहे हैं ये बहुत इमेच्योर और बहुत ही नॉन सीरियस बिहेवियर है ये आप लोग एक क्लास के लिए साढ़े दस बजे तक इंतजार कर रहे हैं और जहाँ पे आके आप ये टेबल के ऊपर ये चीज कर रहे हैं मन फरीद तो ये क्या ये कैसा बिहेवियर है व्हाट इट शोज कि आप लोग अपने आप के साथ कितना जो है वो सेंसियर हैं फिर रिजल्ट्स आते हैं ना तो फिर आप लोग कहते हैं कि इतनी परसेंटेज आई है और ये आई है ए, तो ये हुआ है तो वो ऐसे हुआ है वो इस वजह से होता है ना क्योंकि आप जैसे लोग भी पेपर दे रहे होते हैं तो प्लीज स्टॉप दिस अच्छा तो ये मतलब ये कुछ चीजें होती हैं जो आपने इसके साथ जो है वो ए, करनी होती हैं अच्छा मैं आपको बता रहा था एक सी आउटलाइन की बात कर रहा था तो आउटलाइन में आप सबसे पहले इंट्रो की हेडिंग दें उसके बाद आप इसमें जो है वो जैसे उसने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन मांगी है तो आप बताएं हैं

फिलहाल आउटलाइन के अंदर और एंड पे आप एक छोटी सी कंक्लूजन या आप जो है वो ए, सम अप एक हेडिंग दे लें एंड पे ठीक है आप उसमें ये चीजें एक्सप्लेन करें उसके बाद अगर आप आ जाए जी ए, ए, मतलब इस क्वेश्चन को आप देखें कि इसमें आप क्या क्या, क्या चीजें कोट कर सकते हैं आप किसी होटल की रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट की एक एग्जाम्पल एक एक बना के कोट कर सकते हैं आप किसी भी जो है वो शू फैक्ट्री की किसी भी जगह पे आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स की जो है वो रिक्रूटमेंट की एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं तो आप इस लिहाज से जो है वो चीजों की एग्जाम जो है वो एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं यार ये क्या कर रहे हो आप यार अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें एंड पे आपने कंक्लूजन की एक हेडिंग दे देनी है आपने कंक्लूजन में बताना है कि आप ओवरऑल उस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देंगे आपकी एक जर्नल आइडियल लेंथ की अगर हम बात करें तो आपकी एक क्वेश्चन की आइडियल लेंथ वो सेवन टू एट पेजेस होनी चाहिए ठीक है उसमें आप अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर जो है वो थोड़ा वर्क करें उसके अलावा आप अपनी जो है वो डेफिनेशन जो है वो ऑथर्स के कुछ नाम आपको पता हो कुछ एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज की जो है वो आप उसके ऊपर काम करें और उस, उसके लिहाज से चीजों को उसमें कोड करें तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ओवरऑल पेपर में काफ़ी हेल्प करती हैं अगर हम अपने सेशंस की बात करें या मैं, मैं अपने सेशन की बात करूँ या मैं अपने नोट्स की बात करूँ तो उसमें कुछ केस स्टडीज कुछ एग्जाम्पल्स हैं फोर टू फाइव मैक्सिमम एग्जाम्पल्स होती हैं जिनको आप डिफरेंट स्नैरियोज में कोट कर सकते हैं केस स्टडीज की बात करें वॉलमार्ट की केस स्टडी हो गई होंडा की हो गई या दो तीन इसी तरीके से न्यू एंड ओल्ड फार्मासिस्ट माइंड सेट की बात करें तो ये तीन चार केस स्टडीज होती हैं जो आपने कोट करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपने चीजों को जो है वो आंसर को मोल्ड करना होता है अब सबसे बड़ी चीज जो होती है ना रिटर्न एग्जाम्स में वो आपकी जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन मैटर कर रही होती है अब जैसे रिक्रूटमेंट के मैथड्स आए हैं तो आप मैथड्स में जितने भी मैथड्स हैं आप उसकी एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाए उसमें आप उसके सारे मैथड्स को एक्सप्लेन मतलब उसके जो है वो नाम मैंशन करें थोड़े से यहाँ पे नीट वर्क करें आप लेड पेंसिल को यूज करें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को ड्रॉ करें ताकि जो आपका जितना भी जो आपका एग्जामिनर है आप उसको फैसिलिटेट करेंगे तो वो आपको उस लिहाज से जो है वो मार्क्स देगा अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं कुछ चीज़ों को समझने की जरूरत होती है आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है और अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन आपने आंसर प्रोवाइड करना होता है जैसे अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो आपको पर्टिकुलर टू दैट आपका बिजनेस होता है और जनरल में ओवरऑल जो पोलिटिकल सोशल उसका इकोनॉमिक और उसका जो है वो जितना भी आप लीगल जो चीजें होती हैं उसको बात करते हैं कि जिस भी कंट्री में आप ये चीज कर रहे हैं तो उसमें इसका जो है वो जनरल इन्वायरमेंट क्या है इस का, इस बिजनेस बिजनेस का से रिलेटेड जैसे आप जो है वो चाइना में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे पॉलिटिकल सेटअप कैसा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है या आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है या क्या हालात हैं इकोनॉमी किस फेज में है पोलिटिकली देखा जाए तो ये कितना स्टेबल है उसके अलावा लीगल कितनी रिस्ट्रिक्शन होंगी किसी भी जो है वो फॉरन इन्वेस्टर्स के लिए उसके लिए क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड की गई है ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं और उसके परस्पेक्टिव में बतानी होती हैं लेकिन अगर हम टास्क एनवायरमेंट की बात करेंगे तो टास्क एनवायरमेंट में आप उसके स्पेसिफिक हो जाएंगे कि इसके जो सप्लायर्स हैं वो इसमें अबंडली अवेलेबल हैं या नहीं इसके जो है वो अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो वो किस तरह से होगी इसके कम्पिटिशन की बात करें तो वो क्या होगी राइवल कितनी है या हमें कितनी चीजों को फेस करना पड़ेगा उसके अलावा जो है वो बायर्स का एटीट्यूड क्या है इस प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड क्या है मतलब आप उस जो है वो एक स्पेसिफिक कंपेटिटर्स और उस लिहाज से चीजों को देख रहे होंगे तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपने जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन जो है वो फिर आपने वो डिसाइड करना होता है ठीक है तो इसलिए इसके अलावा अगर हम बात करें जो है वो एंड पे फिर आप कंक्लूजन की एक हेडिंग देते हैं कंक्लूजन में आपने अगेन वही जो बातें आपने इंट्रोडक्शन में होती हैं बट नाउ योर चेंज इज टोटली गोइंग टू सॉरी योर टोन इज टोटली गोइंग टू चेंज तो जैसे आप वो टेस्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन वाली जो है वो टोन यूज करते हैं सेम यहाँ पे आपने वो कंक्लूडिंग टोन यूज करनी है और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को वाइंड अप कर देना है दिस इज द वे कि आप अपने क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करते हैं और किस तरीके से लेके चलते हैं उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ केस स्टडीज भी शेयर करनी थी बट अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर इन क्लास कि आप लोग किस तरीके से अभी भी अभी भी आप लोग व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो डिस्ट्रेक्शन और वो सारी चीजें कर रहे थे लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था क्योंकि दिस इज द वे ट्रेन ठीक है कि मैं इसके अलावा जो है वो एक प्राइवेट में भी टीचिंग करता हूँ आप लोगों को जस्ट यही लगता है कि ये बंदा जो है ये ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो इसका जो है जस्ट ये एक पार्ट टाइम हॉबी है तो ऐसा नहीं होता ठीक है तो मतलब ये इस फेज में जिस फेज में आप हैं शायद हम भी कभी हुआ करते थे लेकिन हम इतने नॉन सीरियस कभी भी नहीं थे मेरी अगर आप अटैम्प्ट की बात करें तो इन माई फर्स्ट आई मार्क्स अनलकीली मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर सका

क्या किया था ठीक है तो बाकी ये है कि आप लोगों से जो भी इस सेशन के लिए जिन्होंने इतना होल्ड किया उनके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इसको अटेंड करने के लिए इतना वेट किया थोड़ी सी आई रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस के थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि जो है वो मेरा सिस्टम कुछ इशू कर रहा था सो आई आई वाज सपोज टू स्टार्ट विद जो है वो उसी के साथ मुझे दूसरे मोबाइल के साथ करना पड़ा जिस वजह से स्क्रीन शेयर में भी ज्यादा इश्यूज आ रहे थे ठीक है तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसको आपने करना होता है उसके हिसाब से आपने चीजों को लेके चलना होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को आपने सॉल्व करना होता है ठीक है बाकी जो है वो आप लोग मेरा जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मर्केंटाइल और अकाउंटेंसी के सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं थर्टियथ अक्टूबर से अगर कोई सीरियस पर्सन हो जो सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए चीजों को तैयार कर रहा हो तो वो लाजमी जो है वो ए, उसके में इन रोल हो सकता है और उसके अलावा

एक मिनट में आपको ना नंबर लिखवा देता हूं सेवन फाइव एक मिनट जीरो डबल थ्री टू सेवन फाइव थ्री सिक्स थ्री फोर थ्री मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ जीरो डबल थ्री टू सेवन फाइव थ्री सिक्स थ्री फोर थ्री ये सर वाहिद का नंबर है ये कोऑर्डिनेटर हैं आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आपको गाइड कर देंगे कि आप कैसे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं क्या प्रोसेस होगा अगर आप लोगों का को कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं ये मेरा नंबर है आपका किसी भी किस्म का को कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लीजिएगा तो बाकी जी ठीक है थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी आप लोगों का अगर टाइम वेस्ट किया हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी तो जो है वो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ उसके बाद आपके कोई क्वेश्चन हुए तो उनको मैं एड्रेस कर दूंगा ठीक है जी